किताब के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अकेले रहने से मेरा मतलब है कि मेरी फैमिली सोनीपत से है और मैं रोहतक में पिछले 7-8 साल से हूँ। 2017 में मैं यहाँ आई थी जब मैंने MA स्टार्ट करी थी, तो तब से लेके अब तक का सफ़र, इसलिए मैंने ये शब्द यूज़ किया है अकेले रहने से। इससे सिर्फ मतलब इतना है कि अकेले रहने से मैंने ये सीखा कि सपने पूरे करने कोई नहीं आता, वो खुद ही पूरे करने पड़ते हैं। जी, सपनों के लिए आपको सिर्फ मोटिवेशन दिया जा सकता है, आपको सपोर्ट दिया जा सकता है, लेकिन आपका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा वो आपको खुद से ही लेके आना होता है। और किसी जल्दबाजी में ये किताब नहीं लिखी गई, पिछले 7-8 सालों का एक्सपीरियंस जो अकेले रह के देखा, भाई स्कूटी ख़राब है तो भी निधि को ही करना है, सिलेंडर नहीं है तो भी निधि को ही जाना है, तबीयत खराब है तो भी निधि अकेली खड़ी है, फ़ोन पर सिर्फ माँ सपोर्ट कर सकती थी, इतना ही था। हाँ, वीकेंड्स पे जाते थे, लेकिन जो अकेले मैंने एक सफ़र गुजारा है उसका ये एंड रिज़ल्ट है। तो किसी जल्दबाजी का कोई निर्णय नहीं है ये। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी अपनी कविता के साथ ही, खुद को मोटिवेशन कैसे देते हैं मैंने ये खुद से सीखा है। और एक कविता जो मेरी काफ़ी पसंदीदा है, लिखा कि कविता का शीर्षक है तू चल तो सही। और ये उन हालातों की बात है जब मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ, कई बार बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो तब मैंने क्या लिखा कि ना ऐसे हिम्मत हार ना दिल को करजार जार, ना ऐसे हिम्मत हार ना दिल को करजार जार, सपनों का घरौंदा बनाएंगे कहीं, बस तू चल तो सही, बस तू चल तो सही। कदमों को तू यूँ ना रुकने दे, कदमों को तू यूँ ना रुकने दे, उम्मीद की किरण भी दिख जाएगी रात चाहे कितनी भी काली हो, रात चाहे कितनी भी काली हो, नया सवेरा तो ज़रूर लाएगी, नया सवेरा तो ज़रूर लाएगी। ये आसमान भी तेरा है, ये पंख भी तेरे हैं। कई बार हम सोचते हैं ना कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ ऑल डेस्टिनी। थैंक यू मैम। कि ये आसमान भी तेरा है, ये पंख भी तेरे हैं, फिर भी तेरे दिल में घबराहट पनप रही है कहीं, ये रुकावटें भी हट जाएंगी, ये डर भी मिट जाएगा, बस तू चल तो सही, बस तू चल तो सही। और कविता का आखिरी छंद कि ये ज़िंदगी का काफिला तो कभी रुकता नहीं, किसी के जाने से नहीं रुकता, लाइफ गोज ऑन, इट हैज़ टू गोज ऑन। तो ये ज़िंदगी का काफिला तो कभी रुकता नहीं, यहाँ खुद पहचानना होगा क्या गलत क्या सही, दरवाज़े बंद हैं तो क्या हुआ, दरवाज़े बंद हैं तो क्या हुआ, दरारों के दरमियाँ एक किरण तुझे बुला रही, बस तू चल तो सही, बस तू चल तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, इस तस्वीर के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि अभी स्टाफ की तरफ से ही एक ऋषिकेश हमारा ट्रिप गया था, और ये मेरी ज़िंदगी का सपना था कि मुझे गंगा किनारे इस तरीके से बैठना है और कोई मुझसे बात ना करे। मेरी जो सखी सहेलियाँ गई थी उन्होंने कहा था कि ये क्या तरीका है, मैं कहा नहीं बोलूँगा। इस समय पे मैंने बोला था, लेकिन उसके बाद जो शाम को हम लोग बैठे एक घंटा, मैंने सिर्फ पानी को देखा और पैर जो थे गंगा में थे, और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पानी, मैं और मेरी बातें, मेरे विचार। तो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट मैंने अपनी किताब को दिया है यहाँ पे। और जैसा कि शीर्षक आपने कहा, मैं सुनाना चाहूँगी कुछ तू कुछ मैं। ढूंढना पड़ेगा एक सेकेंड। जी, 25 पेज। जी, इसमें आपको बहुत सारे मेटाफर्स कह सकती हूँ, हिंदी में क्या कहेंगे, अलंकारों का समावेश आप इसमें देखेंगे, बहुत सारे कंपैरिजन, तुलनात्मक शैली में ये लिखी गई है। देखिए, कुछ सर्द सी धूप सा तू, कुछ गर्म चाय सी मैं, कुछ गर्म चाय सी मैं, कुछ कोतूहल सा तू, कुछ बेबाक सी मैं, कुछ नशा सा तू, कुछ खुमारी सी मैं, कुछ बचपन सा तू, कुछ अलहड़ सी मैं। जी, शुक्रिया। कुछ नदी सा बहता तू, कुछ हवा सी चलती मैं, कुछ बादल सा बरसता तू, कुछ बूंद सी गिरती मैं, कुछ नज़रों में बसा सा तू, कुछ रूह में उतरी सी मैं, कुछ होठों तक आई बात सा तू, कुछ दिल में दबी ख्वाहिश सी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
कुछ खूबसूरत सा ख्याल तू, कुछ अधूरी सी कल्पना मैं, कुछ पुराने कलम सा तू, कुछ नया विचार सी मैं, कुछ मंजिल सा तू, कुछ इंतज़ार सी मैं, कुछ पूरा सा तू, कुछ खाली सी मैं। और कविता का आखिरी खंड की, कुछ ताना बाना सा सुलझा तू, कुछ ताना बाना सा सुलझा तू, कुछ धागे सी उलझी मैं, कुछ यादों का सागर सा तू, कुछ मछली गोते खाती सी मैं, कुछ रोशन सा करता तू, कुछ बाती सी जलती मैं, कुछ कुछ चले रहने दो, सब कुछ सा तू, कुछ कुछ सी मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ये सभी शुभकामनाएं।